नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। आम दिनों में कुरान मजीद की एक तिलावत, एक आयत की अगर कोई इंसान तिलावत करता है उसको एक सवाब मिलता है, एक आयत। लेकिन माह मुबारक के रमजान में अगर कोई इंसान एक आयत की तिलावत करता है तो उसको एक खत्म कुरान का सवाब मिलता है। ये है, इसको कहते हैं बहार। ये है असल बहार कि आम दिनों में एक आयत का सवाब बसे, लेकिन इन अय्याम मुबारक माह मुबारक रमजान में एक आयत का सवाब एक खत्म कुरान के बराबर। तो अज़ीज़ो, ये कुरान वो अजीम किताब है जो परवरदिगार आलम ने अपने रसूल पे नाज़िल किया। इसके नाज़िल होने का दो अंदाज है। एक तो ये कि जस्ता जस्ता कुछ आयतें कभी सफर में, कभी हजर में, कभी हार में, कभी घर में, कभी बाहर, कभी जंग में, कभी इस तरह से आयतें नाज़िल होती है। कभी मक्के में, कभी मदीने में, कभी रसूल सफर में है, हजर में है, आयतें नाज़िल होती है। एक अंदाज कुरान मजीद के कि मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद शब कद्र में, माह मुबारक रमजान शब कद्र में कल्ब रसूल पे, रसूल के दिल पे नाज़िल होता है। अज़ीज़ो, ये वो अजीम किताब है कि इस किताब में, कुरान मजीद में कायनात का हर कुछ उतर मौजूद है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसका तस्करा कुरान मजीद में न हो। इसलिए को कुरान खुद कहता है ला रत्न बला याबसिन इल्ला फी किताब। नमूदार होने लगी तो अभी बिस्मिल्लाह की पे की भी तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। नमाज का वक्त करीब था तो मेरे मौला ने कहा, जाते जाते कहा कि इब्ने अब्बास पर इतना समझ लो कि जो सब कुछ जो कुरान मजीद में है वो सूरह अलहम्द में, और जो सूरह अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बे में, वो बिस्मिल्लाह की बे में है। उसके बाद का अनन नुक्ता तो तहतल बा, और जो बे के नीचे का नुक्ता है वो मैं अली, यानी कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, ना कुरान अली के बगैर समझ में आ सकता है, ना अली कुरान के बगैर समझ में आ सकती है। इसलिए अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। अज़ीज़ों, एक है कुरान के, अब कई मरहले हैं कुरान की तिलावत के। एक तो मरहला यह है कि कोई तिलावत कर रहा है, हम सुन रहे हैं, तो सुनने का भी सवाब है। हमें पढ़ना नहीं आता, हम कुरान मजीद की आयतों को, हरफों को, हरूफ को, अल्फाज को देख रहे हैं, ये देखना भी इबादत है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, रुक रुक के पढ़ सकते हैं, तरीके से अमल नहीं कर सकते। तो जब इंसान निजाम, जब कुरान निजाम हयात इंसानी है, जब तक हम उसके आयतों की बारीकियों को समझेंगे नहीं, जब तक हमें, हम उसके कानून पे बेहतर तरीके से अमल नहीं कर सकते, जब बेहतर तरीके से अमल नहीं कर सकते, बेहतर तरीके से अमल नहीं कर पाएंगे, तो गोया कि हमने उसकी इफादियत को ज़ाय किया है। कि मैंने अपने मौला अली अलैहि सलातो व सलाम से, कुरान मजीद ऐसे सीखा है कि अगर मेरे ऊंट की मिहार गायब हो जाए तो मैं कुरान की आयतों के जरिए से तलाश कर सकता हूं। وإنه هزرنا إن يسارك ما بيحكي الله وكيف إذا لنا من كل أمة تشهد
قتيلا انظر كيف يصرون على الله الكذب وكفى به كفى به اثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من ومن يلعن الله ولن تجد له نصيرا الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات التي من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وطهارتهم وندخلهم جنة قليلا إن الله يأمركم أن تؤتوا الأمانات إلى أهلها وإذا أقمتم بين الناس أن تأتوا بالعدل إن الله مما يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ